बढ़िया होंगे, सबके अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। तो सेल ऑर्गेनेल डिस्कस कर रही थी। सेल ऑर्गेनेल में लास्ट का जो सेल ऑर्गेनेल बचा है, दैट इज वेब के ऑल यानी बस धानी। बस धानी वेब के ऑल राइट। वैक्यूम क्या होती है? वैक्यूम क्या होती है? वैक्यूम प्लांट साइज में, लार्ज साइज में प्रेजेंट होती है, एनिमल साइज में, स्मॉल साइज में। वैक्यूम होती है ठोस, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनको स्टोरेज करने वाली थैली होती है। वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेल है, सॉलिड एंड लिक्विड पदार्थों को स्टोरेज इसके अंदर है वो किया जाता है। एनिमल सेल, बात करो एनिमल सेल की और बात करो प्लांट सेल की। प्लांट सेल की एनिमल सेल में वैक्यूल है वो स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं राइट। एनिमल सेल की स्मॉल साइज होता है वैक्यूल का, एंड प्लांट सेल में वैक्यूल का लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज। उसके प्लांट सेल में इस वैक्यूल की प्लांट सेल में इस वैक्यूल के प्लांट सेल में इस वैक्यूल के कारण ही क्या होता है, इस वैक्यूल के कारण ही जो न्यूक्लियस होता है वो आपका किनारे की ओर प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे की ओर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इस लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस है वो किनारे की ओर धस जाता है। अगर एनिमल सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल का साइज छोटा होता है इसलिए न्यूक्लियस है वो केंद्रक यानी बीच में यानी सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये बात होगी एनिमल सेल। सेल जो वैक्यूल होता है वो सेल की कई कोशिकाओं में, कई प्लांट्स की कोशिकाओं में सेल के वॉल्यूम का, सेल के माप का, सेल के माप का 50 से 90% वॉल्यूम होता है किसका, इसका जो वैक्यूल है इसका। ये क्या फंक्शन होते हैं, क्या वर्क होते हैं? प्लांट सेल में जो सेल वैक्यूल होता है वो द्रव्य उसी का द्रव्य को जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो कोशिका द्रव्य को उपस्थित रखता है। कोशिका द्रव्य है वो प्रेजेंट होता है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल क्या काम करता है? वैक्यूल काम करता है सेल को स्थिति स्थिति एंड कठोरता प्रदान करने का, रिजिडिटी प्रदान करने का काम वैक्यूल के द्वारा किया जाता है। एंड वैक्यूल में आवश्यक पदार्थ उपस्थित होते हैं। आवश्यक पदार्थ की मैं यहाँ बात करूँ, दैट इज अमाइनो एसिड, दैट इज प्रोटीन, दैट इज सुगर राइट। ये क्या होते हैं? आवश्यक पदार्थ होते हैं जो कि वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। अमीबा की, अमीबा जो यूनिसेलुलर होता है, अमीबा की जो वैक्यूल होती है वो वैक्यूल के जैसे कि फूड होता है उस फूड को स्टोरेज करने का काम जो फूड वैक्यूल होती है उसके द्वारा वो क्या हुआ भोजन है उसके अंदर स्टोरेज होता है। कुछ अगर यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं उनमें जो वैक्यूल होती है वो जल को, वॉटर को एंड जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासन का काम है वो वैक्यूल के द्वारा किया जाता है। सीधा सिंपल सा सेल ऑर्गेनेल है कुछ नहीं है। एनिमल सेल में छोटा होता है सेल में, प्लांट सेल में लार्ज होता है। सॉलिड एंड लिक्विड पदार्थों को स्टोरेज करने का काम किया जाता है। इसकी वजह से केंद्र का जो पोजिशन है वो प्लांट एनिमल सेल में अलग अलग होता है। कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, सेल को प्रति कठोरता प्रदान करता है, आवश्यक पदार्थ अमाइनो एसिड प्रोटीन ये शुगर वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वैक्यूल। तो आई होप मैं यहाँ क्लियर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और दिए।